सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आपकी आई है कि सत्य और कल्पना में क्या अंतर है। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म के सिवाय बाकी सब कल्पना ही तो है। एक ब्रह्म ही है जो सत्य है। परम तत्व ही सत्य है और पर ब्रह्म परमेश्वर के सिवाय बाकी सब कल्पना के तहत ही है। जिसको आप अभी सत्य मानते हैं वह थोड़ी देर के बाद ही कल्पना सिद्ध हो जाती है। वो अतीत में चला जाता है तो हो गई ना कल्पना, फिर उसकी स्मृति तो है। जिसको आप अभी सत्य मान रहे थे थोड़ी देर पहले, वो बीत जाने पर क्या होता है, वो स्मृति में चली जाती है, हो गई कल्पना। तो जिसको भी हम लोग रियलिटी रियलिटी कह के इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, वही बस क्षण मात्र बीता कि वो अनरियल हो जाता है, वो स्मृति में चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, रूपांतरित हो जाती है वो बातें। तो ये सब फिर कल्पना हो जाती है। आप कुछ भी ले लें, यहाँ पदार्थ जगत, ये भौतिक जगत जो है पदार्थ जगत, यहाँ सब क्या है, इसलिए इनको अनरियल कहा गया है, इसलिए ये कल्पना लोक ही है। लेकिन यह कल्पना नहीं है, इसका हम पुख्ता दावा करते रहते हैं, क्योंकि हम इसी में जी रहे हैं, तो हम पुख्ता दावा करते रहते हैं। हम सोचते हैं यहाँ सब स्थिर हो जाए, टिक जाए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यहाँ इसका स्वभाव ही नहीं ऐसा। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर जो ये तत्व हैं, ये सब कुछ कुछ वैज्ञानिक सब भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे इमेजिनेशन में ही है, या ये हमारे चित्त की वृत्ति ही है, इन वृत्तियों से ही तो महसूस करते हैं इन सब चीजों को। तो यदि हमारी वृत्ति नहीं रहो तो ये तो सब गायब हो जाएगा, हमारे लिए क्या रह जाएगा। और ये जो अगर हम इसको रियलिटी मान लेते हैं, हमारा सारा जोर होता है इसको रियलिटी करने का, क्यों, क्योंकि हम उस टेस्ट से, उस साइंटिफिक टेस्ट से गुजरते हैं कि देखो अब ये है, अब है ये, इस फिजिक्स का लॉ को फॉलो कर रहा है, इस फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो फिजिक्स का लॉ भी तो कल्पना में ही है। फिजिक्स का लॉ कोई स्थिर थोड़ी है, उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब अस्तित्व शुरू हुआ था या उसमें भी वही फिजिक्स का लॉ था और अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। भाई उसमें भी परिवर्तन होते हैं, लॉ में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन काफी लंबे अंतराल पर हो, गहरे हो, परिवर्तन तो होते हैं, क्योंकि जब यह भौतिक जगत ही परिवर्तन का है तो इसके लॉ भी परिवर्तन वाले होंगे। यहां जब सब कुछ परिवर्तन में ही है तो लॉ भी परिवर्तन में है। तो हम एक स्थिर लॉ की कल्पना कर ले रहे हैं। इस कल्पना के अस्तित्व को रियल बनाने के लिए, रियल सिद्ध करने के लिए, लेकिन जिस नियम के तहत हम कर रहे हैं और हम स्वयं भी बदलते रहते हैं, हम जो थे जिसको रियल मान रहे थे अब वो नहीं है, कल जो मान रहे थे अब वो दूसरा हो गया,
तो हमारे नाम रूप अंग आकार प्रकार शक्ति सब कुछ बदलता रहता है, सारे पदार्थ सारे गुण धर्म सब बदलते रहते हैं, इसके नियम कानून सब बदलते रहते हैं। और यही तो कल्पना है, कल्पना शिव कहते हैं। एक बड़े चित्त की कल्पना है, जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में जो घटना घट रही होती है हम उसको रियलिटी तो मानते रहते हैं, उस समय उस वक्त हम कल्पना लोक में ही तो होते हैं, उसको रियल मानते हैं। जब बाहर आते हैं तो अब हम माइंड से इसको जज कर रहे होते हैं, तो इसको भी हम रियल मानते हैं। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो ये रियलिटी कहाँ चली जाती है फिर ये रियलिटी कहाँ चली जाती है। राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र से, और भी सारे बहुत विद्वान थे, अष्टावक्र ने इसका जवाब दिया था। याज्ञवल्क भी थे, उन सबसे पूछा कि हमने जो स्वप्न में देखा वह सही है या यह जो देख रहे हैं यह सही है। जब स्वप्न में थे तो यह संसार नहीं था, जब यह संसार है तो वो स्वप्न नहीं है, ये भी कल्पना वो भी कल्पना, रियलिटी क्या है जो कि इस समय भी विद्यमान है, स्वप्न के समय भी विद्यमान था। जब हम घोर सुसुप्ति में थे, जब स्वप्न भी नहीं था और यह भी नहीं था, उस वक्त भी जो विद्यमान था वह क्या है, रियलिटी तो उसी को ना कहेंगे। जो स्वप्न में भी विद्यमान है उस कल्पना में भी विद्यमान है, और ये जागृत की कल्पना है, वह निद्रा की कल्पना थी, ये जागृत की कल्पना है। घोर सुसुप्ति में तो हम थे ही नहीं, कुछ कल्पना कुछ पता ही नहीं चल रहा था, हुआ एक दूसरी कल्पना है, हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, अरे भाई हम सपना भी नहीं देख रहे थे, हम जागे नहीं थे, तो वो क्या था घोर, तो उसको कहते हैं कि वो तो जो है वो सुसुप्ति थी। तो सुसुप्ति जो है हमारा एक गेस हो जाता है, उसमें हम एंटर ऐसा किए कि हमको अपना ही पता नहीं रहा, तो वह एक गेस वर्क हो गया, तो वह भी एक कल्पना ही हुई मन से कि वो वैसा था जहाँ कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे और हम सपना भी नहीं देख पा रहे थे, ना ये दुनिया थे, ना दुनिया का कोई संबंध था, ना दुनिया के कोई तत्व थे। तो ये भी एक कल्पना है, ये सब कल्पना में ही है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हर समय विद्यमान है, हर सत्ता में, क्योंकि अस्तित्वगत मामले में तो सर्वथा लोप इन भौतिक तत्वों का ही तो हो रहा है, ये तो मन की ही सारी तो खुराफाते हैं। लेकिन मन से परे भी कोई सत्ता है या नहीं, मन का भी कोई अवलोकन करता है या नहीं, मन भी किसी का कारण है, किसी का कार्य है या नहीं, तो मन भी किसी का कारण है तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मन भी किसी का कार्य है ये आपको समझना है कि मन के पीछे कौन कारण है, उस कारण के पीछे कौन कारण है। तो कारणातीत अवस्था जो है उसकी बात होती है, क्योंकि कारण कभी अगर हम रिग्रेस करते हैं, पीछे से पीछे लौटते हैं, तो कारणातीत अवस्था आएगी, क्योंकि इन्फाइनाइट रिग्रेशन जब हो जाता है तो कारणातीत अवस्था आती है, इन्फिनिट ही कारणातीत है। तो इस समय भी जो विद्यमान है, यानी जो सर्वव्यापकता है और सर्वविद्यमानता है, सदैव जो उपलब्ध है, हर समय जो उपलब्ध है, जो तत्व तो वही रियल है, तो उसी को तो सत्य कहा गया है और उसको ब्रह्म कहा गया है, उस सत्य को ही ब्रह्म कहा गया है। यानी जो विद्यमान है हर समय वह तत्व, तो वह तत्व तो विद्यमान है, उसी की तो व्यक्ति को खोज करनी है। आपको यही देखना है कि इन तीनों अवस्था में क्या था जो विद्यमान था, और ऐसा जब आप इस जागे हुए में, जब होश में आप रहेंगे, तो
यानी जो बदलाव जागते समय जो बदलाव आप बदलाव जो देखते हैं, इस बदलाव में जो आप अबदलाव क्या देख पाते हैं। जब भी आप कोई नाम संज्ञा करते हैं, सर्वनाम क्रिया करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिर फंस जाते हैं इस कल्पना में। लेकिन जब आप कोई नाम क्रिया इन सब से हट जाते हैं और जो तत्व का बस आप बिना नाम बिना क्रिया के ही किसी वस्तु को किसी चीज को समझने का प्रयास जब कर दें, बिना उसका नाम बिना उसके गुण के, यानी उसका क्योंकि वस्तु क्या बदलेगा, तो वजन बदलेगा, उसका स्थान बदलेगा, समय बदलेगा, उसका रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, आकार बदलेगा, प्रकार बदलेगा, लेकिन उसका हैपन तो रहता है। वह जो हैपन है उसकी जो स्थिति है वह आपको समझ लेनी है। और वह है भी जब हम उसको कहते नहीं हैं, उसको हम फील करते हैं, अनुभूत करते हैं, क्योंकि सुषुप्ति में हैपन भी नहीं रहता, क्योंकि आप वहां है कहां बोल पाते हैं, आप कहां कुछ सोच पाते हैं, कहां बोल पाते हैं, कहां देख पाते हैं, वहां पर तो आपका किसी प्रकार का कुछ भी नहीं रह जाता है। तो वैसे बिल्कुल ही अज्ञात स्थिति में जब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल एक खाली पर वहां हम कुछ खाली भी नहीं कर सकते, उसको कुछ कह ही नहीं पाते हैं, हमारा उसमें प्रवेश ही नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सदैव इस अवस्था में रहें, जबकि इन तीनों अवस्थाओं का एक साथ विलयीकरण हो जाए। तो वह जो अवस्था होगी वही ब्रह्म की हो। तो जब आप वास्तव में तत्व का अनुभूत करना चाहते हैं तो जितने भी इनके अनुभूतियों के जो विषय दिए गए हैं, यानी रूप रंग आकार प्रकार भार तापमान दबाव, इन सब से अपने को विलग कर लीजिए। इसलिए शास्त्र में नैति नैति कहा गया है, नैति नैति, यह भी नहीं है यह भी नहीं, तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है, इन सबको नकारते जाना है। और फिर उस नकारने को भी नकार देने के बाद आपकी वस्तु स्थिति हो जाती है और वह सत्य होता है। तो अंतर वही है, सत्य शाश्वत है। और सर्वव्यापक वही है ही है, बाकी सब कल्पना है, बाकी सब उसी सत्य की ही कल्पना है। उसी सत्य ने कल्पना किया कि मैं हो जाऊं, उपनिषद में उसी को कहा गया है प्रजायेति, प्रजा को उत्पन्न किया, एको अहम बहुश्यामः, वह मैं एक बहुत हो जाऊं, उसी को किया। तो वह एक क्या है, वह परब्रह्म परमेश्वर, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। सत्य अर्थात जिसकी विद्यमानता हर समय हो, तो जितने भी चीज आप जानते हैं आप देखिए क्या उनकी विद्यमानता हर समय होती है। समय स्वयं जो है उसके तहत नहीं आ पाता है, क्योंकि समय भी हर समय विद्यमान नहीं है। समय भी जहां से चला है वहां पर तो पदार्थ है, स्थान है, समय स्वयं कहां स्थित है। यह
आप बिल्कुल ही जब आप खामोश हो जाते हैं, इसका उत्तर मौन में ही मिलता है। मौन अर्थात जहां रूप रंग आकार प्रकार चित्र विचित्र, ये तापमान, ये प्रकाश, ये विद्युत और ये चुंबक और किसी प्रकार का ये सब जितना भी सुनते हैं, ये सब नहीं है जहां, क्योंकि ये सब सब जो है कल्पना है, मैनिफेस्टेशन है। ये आपकी ही कल्पना है, तो वह आप क्या है? वह आप सत्य है, वह आप पूरे उसके मौन में है। तो पूर्ण मौन में आपको एहसास होता है।